असेंबली जुनून का यौम तासीस मतवाले पुरजोश। नसीराबाद के मरकजी दफ्तर में तकरीब, परवेज मलिक और लॉर्ड मेयर समेत मुकामी क्यादत और कारकुनों की शिरकत। खवातीन कारकुन भी जमा, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शिरकत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बना सकती है, अब्दुल अलीम खान का दावा। शहबाज शरीफ खुशी मनाए, उनके अली बाबा और 40 चोर काबू आ गए। आसिफ जरदारी की सिंध कार्ड खेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। सीनियर सूबाई वजीर की गुफ्तगू, अब्दुल अलीम खान से नौबलदियाती अराकीन और साबिक नाजिमीन मियाँ इफ्तखार और आमिर खलील की मुलाकात। भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे, क्या दरियाए रावी से पानी चोरी से मुतालिक पंजाब हुकूमत को इल्म है? चीफ जस्टिस के दरियाए रावी और अबासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी महकमा इनहार से 4 जनवरी को रिपोर्ट तलब। अबासिया लिंक कैनाल से गरीब मेजारों का पानी चोरी करना इनका खून चूसने के मुतरादिफ है, चीफ जस्टिस। हजार के नाल अराजी पर माफिया ने कब्जा कर लिया, इंसाफ फराहम करें। ठोकर नियाज बेग के रिहायशी कब्जा माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पहुंच गए। एहतजाजी मुजाहिरा, चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। सर्दी में इजाफा, कहीं गैस प्रेशर में कमी तो कहीं लोड शेडिंग, दो वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल। एलपीजी माफिया ने गैस के निर्ख बढ़ा दिए, एलपीजी 180 रुपए से 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरियों की अपील। गैस की लोड शेडिंग, सूबाई दारुल हुकूमत में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर, कोयले की मांग भी बढ़ गई। टॉल्स मालिकान को अपने रेट, लकड़ी 800 से 900 रुपए फी मन फरोख्त, कोयला भी 70 रुपए किलो हो गया। गैस मिलती नहीं, मजबूर लकड़ियां जलानी पड़ती हैं शहरी। कुदरती गैस के बाद अब बिजली का बहरान भी शुरू, भिक्की पावर प्लांट की 3 टर्बाइनें बंद होने से 1180 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। आरएलएनजी ना मिलने के बाद टर्बाइनें बंद, शहर में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर प्रेस क्लब का इंतखाबी दंगल, पोलिंग का अमल जारी। प्रोग्रेसिव ग्रुप जर्नलिस्ट पैनल और आजाद उम्मीदवार मध्य मुकाबल, जर्नलिस्ट पैनल के अरशद अंसारी और प्रोग्रेसिव ग्रुप के शहबाज मियां के दरमियान सदारत के लिए मुकाबला। जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त पर जाहिद आबिद और शहजाद हुसैन बट आमने सामने, 2288 उम्मीदवार हक रायदही सवाल करेंगे। सहाफी बरादरी में जोश व खरोश। ग्रुपों के अपनी अपनी जीत के दावे, वजीर अला पंजाब से फेज 2 की मंजूरी ले ली, जल्द जमीन का हसूल मुमकिन बनाएंगे। सदारती उम्मीदवार शहबाज मियां का दावा, एफ और बी ब्लॉक का मसला हल करवा दिया। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, पहले सहाफी कॉलोनी बनाई, अब फेज 2 भी सहाफियों को देंगे। एफ ब्लॉक के लिए प्लॉट्स के साथ कम और तरक्याती काम करवाएंगे। जर्नलिस्ट पैनल के सदारती उम्मीदवार अरशद अंसारी की गुफ्तगू। जिना खिदमत खलक फाउंडेशन के जेर तमाम 150 मुस्तहिक बच्चियों में जहेज तकसीम, चेयरमैन पीएचए सैयद यासिर गलानी, मियां दाऊद साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, अखबार फरोश यूनियन के सदर चौधरी नजीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। छुट्टी के रोज करेंगे गवर्नर हाउस की सैर, फैमिलीज और स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा भी सैर करने पहुंच गए। बच्चों की खूब मौज मस्ती, शटल सर्विस और मीठी धूप के मजे।